हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं आर्टिकल 370 पे, जिसमें मेन प्रोटागनिस्ट की भूमिका में है यामी गौतम और प्रिया मानी। साथ ही इसमें जो इसके प्रोड्यूसर है वो आदित्य धार, और डायरेक्ट किया इसको आदित्य सुहास ने। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस मूवी पे और फिर आगे हम मूवी के एंड में बात करते हैं। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है, हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बाजी खून की बाजी है, हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? तो केस में पुलवामा अटैक भी दिखाया गया। ओके, अरुण गोविल इसमें मोदी जी की भूमिका में है। ये मूवी मस्त होने वाली है दोस्तों, ये थिएटर में देखिए। From the makers of Uri, right? थोड़ी वाइब भी इसमें वही है। आर्टिकल 370, ये अमित शाह जी का डायलॉग है। इन 23rd February, राइट। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इसमें कई सारे डायलॉग्स जो हैं ये ओरिजिनल डायलॉग्स हैं, एक्चुअल डायलॉग्स हैं जो किसी ने कहीं पे बोले। जैसे अमित शाह जी का जो डायलॉग था वो एक्चुअल में उन्होंने बोला था, तो वो डायलॉग उन्होंने इसमें पिक किया है। ऐसे ही मोदी जी का भी उन्होंने डायलॉग पिक किया है। तो ये बहुत मतलब ये देखने वाला मूवी होने वाला है, और ऑब्वियसली मतलब इसमें से वो देशभक्ति वाला जो जज्बा है वो तो आपका फूट ही रहा है। तो ये मूवी ज़रूर देखिए, आर्टिकल 370। इसमें काफ़ी अच्छे से यामी गौतम ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की दिख रहा है, और बाकी प्रिया मानी तो है, इनका तो फैमिली मैन आपने देखा ही होगा, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है, और मूवी बहुत सही होने वाली है, देख के ही समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसको ज़रूर जाके देखिए। आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कोई पर्टिकुलर वीडियो पे आपको रिएक्शन या रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।